हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत तेज़ी से फैल रही है। महिलाएं चाहे पुरुष, दोनों में ही बहुत तेज़ी से रोग फैल रहा है और इस रोग का नाम है, आपने सुना होगा, बहुत कॉमन रोग है। रोग का नाम है थायराइड। दो प्रकार का ये रोग होता है, एक हाइपर थायराइड और एक हाइपोथायराइड। हाइपर का मतलब जब आपका थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, और हाइपो का अर्थ होता है कि आपका थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्रंथि जो है आपकी, वो अंडर एक्टिव होती है, वो कम काम करती है। ये जो ग्लैंड है, ग्रंथि, हमारे गले में स्थित होती है और एक प्रकार का ये हार्मोन निकालती है जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं, जिसका काम है शरीर के अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट और शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो ये जो ग्रंथि है हमारी, ये इसका मुख्य कनेक्शन अगर हम देखें तो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके साथ इसका कनेक्शन है। आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों के प्रकोप के कारण ही थायराइड जो है वो आम तौर पर होता है। ऐसे अगर हम देखें तो कई लोगों को हमने देखा है कि मानसिक तनाव, या महिलाओं में विशेष रूप से जब इमोशनल टेंशन या इमोशनल स्ट्रेस होता है उसके कारण भी थायराइड होता है। लाइफस्टाइल तो आज एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि अगर हमारी जीवन शैली में एक जो है रिदम नहीं है, समय नहीं है, इररेगुलर सब चीज़ें हम करते हैं, खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, ये तमाम चीज़ें कई बारी जो है कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे भोजन में नहीं है प्रॉपर, उनके कारण भी थायराइड हो जाता है। तो हमें समझना ये है कि यदि हमें थायराइड हो गया है तो क्या हम उसके लिए उपचार कर सकते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से हम क्या चीज़ें करें जिससे कि हम अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। जी हाँ, डाइट जो है वो हमारे रोगों में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आयुर्वेद में लिखा है कि अगर मिथ्या आहार सेवन करें, यानी कि आपकी डाइट यदि गलत है, तो वो भी एक रोगों का कारण बनता है। और क्योंकि थायराइड ग्लैंड का कनेक्शन हमारे मेटाबॉलिज्म से होता है, तो इसलिए आपको हल्का सुपाच्य भोजन आपको खाना चाहिए, वो चीज़ें जो आसानी से पच जाती हैं। आप पोहा खा सकते हैं, उपमा का सेवन कर सकते हैं, दलिया, मूंग की दाल की खिचड़ी, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद इत्यादि का सेवन आपको थायराइड में फ़ायदा पहुंचाता है। और ध्यान रहे कि गरिष्ठ भोजन जो है, जो चीज़ें देर से पचती हैं, बहुत ज़्यादा जो है पचने में समय लेती हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। थायराइड के लिए एक सरल होम रेमेडी आपको बता रहा हूँ। रात को एक चम्मच धनिया पाउडर एक गिलास गर्म पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसको खाली पेट आपको छान करके पीना है। सुबह लौकी का जूस लगभग 100 मिलीलीटर आप पी सकते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। इसके अतिरिक्त एलोवेरा अगर ताज़ा है आपके घर में तो उसका छोटा सा एक टुकड़ा लेके उसका जो ऊपर से स्किन उतार लीजिए और उसके अंदर जो उसका जेल होता है, जो उसका पल्प होता है, उसको आपको सेवन करना है। एलोवेरा के जूस में बराबर मात्रा में तुलसी का रस मिला करके पीने से भी बहुत लाभ होता है। और इसके अतिरिक्त आपको एक प्राणायाम करना चाहिए हर रोज़, जिसको हम कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। जी हाँ, आपके गले में जो है थायराइड ग्लैंड स्थित होता है, और उज्जयी प्राणायाम जो है उसमें आप जब करते हैं तो गले में थोड़ी सी आपको हल्की सी एक आवाज़ करनी होती है, इससे आपके जो थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज भी होती है और थायराइड ग्लैंड का फंक्शन भी सही होता है। अलसी के बीज, आमतौर पर जिसको फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, उसका एक चम्मच चूर्ण सुबह और एक चम्मच शाम को यदि आप सेवन करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और आजकल जो है कई प्रकार के सीड मिक्स मिलते हैं आपको, जिसमें के जो है सेसमी सीड्स, पम्पकिन सीड्स या कई तरह के जो बीज होते हैं उनका जो मिक्सचर होता है, उनका सेवन करने से भी आपको कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जिससे कि आपके थायराइड ग्लैंड का फंक्शन अच्छा होता है। अब जानते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल में आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग दिन भर बैठ कर के काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, तो आपको चाहिए कि आप जो है हर दो घंटे में लगभग खड़े होकर के 3-4 मिनट वॉकिंग करें।
और सुबह जो है नियमित रूप से 40-45 मिनट आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगासन भी आप कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका भोजन का समय वो बिल्कुल जो है निर्धारित रहे। समय पर भोजन खाएं, कम मात्रा में भोजन खाएं। भोजन खाते समय आपको टेलीविज़न नहीं देखना है, मोबाइल पर जो है बात नहीं करनी है। अपने माइंड को भोजन में ही आपको स्थित रखना है, यानी कि अपना कंसंट्रेशन जो है वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त रात को देर तक नहीं जागना है, समय पर सो करके सुबह जल्दी उठना है। मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को दूर रखने के लिए कुछ अपने कमरे में अच्छा एरोमेटिक जो है कोई भी खुशबू आप प्रयोग करें, सॉफ्ट म्यूजिक सुने, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से आपको बचना है। क्या ना करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भोजन है, हैवी फूड्स आपको नहीं खाने, गरिष्ठ भोजन जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, जो देर से पचता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग है। तो इसलिए आपको जो है तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ या ऐसे भोजन जो कि जिसको आजकल जंक फूड की कैटेगरी में रखा जाता है, नूडल्स हैं, बर्गर है, पिज्ज़ा है, ऐसी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और जो लोग थायराइड से पीड़ित हैं, उनका वज़न जो है हमेशा, उनको वेट मैनेजमेंट के लिए अवश्य ध्यान रखना है, अपने वज़न को नहीं बढ़ने देना है। इसीलिए आपको जो है ध्यान रखना है कि जो भी आप खाएं वो आसानी से पचने वाला भोजन होना चाहिए। मानसिक तनाव और इमोशनल स्ट्रेस से आपको दूर रहना है, अपने मन को प्रसन्न रखना है। मन के प्रसन्न करने के लिए आपको जो है कुछ लाफिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है। अगर आप नित्य प्रति जब भी आपको मौका मिले थोड़ा हंसना चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा माहौल अपने इर्द गिर्द बनाएं जिससे कि आपका मन शांत रहे और प्रसन्न रहे। थायराइड जो है वो एक साधारण रोग नहीं है। आम तौर पर अगर थायराइड किसी को हो जाता है तो उसको पूरी लाइफ लॉन्ग जो है टैबलेट्स खानी पड़ती हैं, दवाई खानी पड़ती है। लेकिन आयुर्वेद में जब हम इसकी चिकित्सा करते हैं तो आहार विहार यानी कि फूड लाइफस्टाइल, उसके साथ साथ हमने आपको घरेलू नुस्खे भी बताए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थायराइड को ठीक करने के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। आयुर्वेद में इंटरनल मेडिसिंस भी हम देते हैं, साथ में पंचकर्म चिकित्सा भी थायराइड के पेशेंट्स में बहुत लाभ पहुंचाती है। तो आपसे मेरा निवेदन है, यदि आप थायराइड रोग से पीड़ित हैं तो आप जीवा का सेहत का नंबर डायल करें और हमारे डॉक्टर्स से वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से या जीवा की क्लिनिक्स पर जा करके एक पर्सनल कंसल्टेशन आप करें और उसके पश्चात उसका पर्सनलाइज्ड उपचार करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।